हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आइए आज हम अध्ययन करेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के चट्टान समूह का, जिसके अंतर्गत हम भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार के चट्टान समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रमुख रूप से क्रम अनुसार पाए जाने वाली चट्टानें, फर्स्ट वन है आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें, कुडाप्पा की चट्टानें, विंध्याचल क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्षिण ट्रंप। फर्स्ट वन है आर्कियन चट्टानें। यह भारत में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन चट्टान समूह में है, जो प्रायद्वीप के 2/3 भाग को घेरता है। यह आग्नेय शैल द्वारा निर्मित है। ये चट्टानें विभिन्न प्रकार के जैसे नीस सिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुके हैं। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वे हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार के पठारीय क्षेत्र में ये आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट वन देखेंगे हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टाने की उत्पत्ति कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुई। वैसे ये प्रायद्वीप और अब्राहम प्रायद्वीप दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका जो क्षेत्र है वह है कर्नाटक व अरावली क्षेत्र में। धारवाड़ वेलारी व शिमोगे जिलों के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। ये सबसे समृद्ध चट्टाने हैं आर्थिक रूप से। यहाँ पर मुख्य रूप से धातुएं जो पाई जाती है, सोना, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ये चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर इस चट्टान का नामकरण किया गया है। कुड़प्पा जिले में यह चट्टान अंधचर्काकार स्वरूप से एक विशाल क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश में अधिकतर मिलती है। इसका जो यहाँ पर जो यहाँ पर तांबा, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीशियम, संगमर, चूना पत्थर के रूप में यह प्राप्त होती है। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, नंबर 4 है विंध्याचल क्रम की चट्टानें। विंध्याचल चट्टानों का निर्माण कुड़ाप्पा चट्टानों के बाद हुआ। इसका नामांकन विंध्याचल के नाम पर किया गया है। जल निष्पेक्षों के द्वारा यह निर्मित एक परतदार चट्टान है। यहाँ पर पन्ना व गोलकुंडा की सोने की खान, हीरे की खान पाई जाती है, जो कि तेलंगाना में है। इसका विस्तार जो कि चित्तौड़गढ़ राज्य से सासाराम बिहार तक का है, तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक फैली हुई है। यहाँ पर भवन निर्माण सामग्री के रूप में बहुत से चूना पत्थर, चीनी मिट्टी के तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें।
इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह है झारखंड, एमपी और आंध्र प्रदेश। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण काल ऊपरी कार्बोनिफोरस युग से जुरैसिक युग के बीच माना जाता है। ये चट्टानें भारत में संकरी घाटियों में पाई जाती है। यहाँ पर लगभग भारत का लगभग 98% कोयला इसी क्रम में मिलता है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे दक्षिण ट्रंप। इसका निर्माण ऊपरी क्रिटेशियस काल से लेकर ईओसीन काल के बीच हुआ। प्रमुख रूप से यह महाराष्ट्र में 70-80% और एमपी, मध्य प्रदेश व गुजरात में फैली हुई है। यहाँ पर बेसाल्ट लावा से निर्मित चट्टाने पाई जाती है। ये चट्टाने कपास के उत्पादन की दृष्टि से ये चट्टाने बड़ी महत्वपूर्ण हैं। खंबात और रत्नगिरी से मणिक, अगेट आदि रत्न प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में बॉक्साइट के जमाव भी मिलते हैं, जिसका उपयोग एल्यूमिनियम एक्स के रूप में पाया जाता है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।